मैं डॉक्टर जेपी चंदेल, एमडी मेडिसिन, कार्डियोडायबिटिक केयर सेंटर ताड़ीखाना, आपका अपना फिजिशियन मुरादाबाद से बोल रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ शुगर के बारे में। शुगर हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। 10 में से 3 मरीजों को शुगर है। मरीजों को पता ही नहीं रहता कि उनको शुगर है। जब पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है, कई कॉम्प्लिकेशन खड़े हो चुके होते हैं। शुगर के कारण हमारे देश में हार्ट अटैक की संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। लोगों को हार्ट अटैक बहुत हो रहा है शुगर के कारण। लोगों को ब्रेन अटैक हो रहा है, फालिज के अटैक पड़ जाते हैं। जब वो मरीजों को फालिज का अटैक पड़ जाता है तब मालूम पड़ता है कि उनको शुगर है। हमारे देश में अंधेपन का एक प्रमुख कारण डायबिटिक रेटिनोपैथी है, जो शुगर का कॉम्प्लिकेशन है। हमारे देश में जितने भी किडनी फेलियर के केसेज हैं उसका मुख्य कारण भी शुगर ही है। डॉक्टर साहब, जैसे ये लक्षण जो आपने बताए हैं जी, ये लक्षण किसी व्यक्ति अगर महसूस करता है तो उसके लिए क्या सलाह देंगे? मैं सलाह ये दूंगा कि 30 साल के बाद सभी व्यक्तियों को अपने ब्लड शुगर की जांच करवानी चाहिए। 6 महीने के बाद एक शुगर की अन्य जांच होती है HbA1c की, 3 महीने का एवरेज होता है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। उसे देख के हम इलाज शुरू करते हैं कि कौन सा इलाज चलना है, गोली चलनी है कि इंजेक्शन चलने हैं। तो हम अपना रेगुलर जांच कराएं। यदि हमें कोई तकलीफ़ होती है तो सेल्फ मेडिकेशन ना लें, अपना इलाज खुद ना करें, यूट्यूब पर जाके इलाज ना करें, क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह लें, उसका कहना माने, जांच कराएं, परहेज करें, तो हम शुगर के कॉम्प्लिकेशनों से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये कि सुना जाता है कि ब्लड शुगर जो है जी ये काफ़ी डेंजरस होती है मरीज के जी, और ये नुकसान करती है बॉडी और जी, जी 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 तो ये किस तरीके से होती है, क्या इसके लक्षण है? देखिए, शुगर जो होती है, ब्लड शुगर ब्लड में ही ज़्यादा पाई जाती है। पहले ब्लड में ज़्यादा बढ़ती है, जब ब्लड में ज़्यादा होती है तो पेशाब में निकलती है। हम ये कह सकते हैं शुगर 2 तरह की होती है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में इंसुलिन बनता ही नहीं, बचपन से होती है तो इंजेक्शन ही लगाने पड़ते हैं इंसुलिन के रिप्लेसमेंट पे। टाइप 2 मैच्योरिटी में होती है, आफ्टर 30 ईयर्स 40 ईयर्स पे होती है। उन्हें ज़्यादा होती है जो शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, जो अधिक मीठा खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट बहुत लेते हैं, उन्हें होती है। तो टाइप 2 में इंसुलिन बनती तो है लेकिन वो कार्य नहीं करती। हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो गया है, तो हम वो दवाइयाँ देते हैं कि इंसुलिन का रेजिस्टेंस कम हो। हम मरीज को सलाह देते रोज आधा घंटा घूमें, टहले, योगा करें, एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, तो शुगर उससे भी कंट्रोल हो जाती है। डॉक्टर साहब, खाने में भी कुछ ऐसा परहेज विशेष तौर पर शुगर के पेशेंट को रखना चाहिए जी, वो किस तरीके के परहेज हैं? देखिए, शुगर के इलाज में पहले एक्सरसाइज, सेकंड परहेज, थर्ड मेडिसिन है। परहेज बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लेकिन जानकारी के अभाव में हम लोग जान नहीं पाते हैं। पहला तो कि मीठा नहीं खाना है, मीठे में चीनी, गुड़, शक्कर, शहद। हमारे देश में गलत फहमी है, गलत धारणाएं फैली हुई हैं कि शुगर के मरीज शहद खा सकते हैं, शुगर के मरीज गुड़ खा सकते हैं। हमें कोई मीठा नहीं खाना है। आलू, अरबी, चावल जिसमें अधिक कार्बोहाइड्रेट होता है वो नहीं लेना है। कार्बोहाइड्रेट हम की मात्रा कम करनी है, प्रोटीन्स, फैट्स की मात्रा बढ़ानी है। डॉक्टर साहब, जिन पेशेंट को जो है इंसुलिन लेना पड़ता है जी, तो इंसुलिन वे जीवन भर लेंगे या कुछ स्थितियाँ मेडिसिन के द्वारा ऐसी बन जाती हैं या परहेज के द्वारा ऐसी बन जाती है कि वो आवश्यक हर नहीं रहता है और सिर्फ मेडिसिन के आधार पर ही, मेडिसिन से ही उनका नियंत्रण रहता है शुगर का? देखिए, बात यह है कि जब मान लीजिए पेशेंट बहुत क्रिटिकली इल हो गया है, बहुत बुखार हो रहा है, कोई इन्फेक्शन बहुत तेज हो गया है, ऑपरेशन होने, प्रेगनेंसी हो गई, तो हमें इंसुलिन ऐड करना पड़ता है। एक बार इंसुलिन का मतलब ऑलवेज इंसुलिन नहीं है। पेशेंट की शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई, हमने इंसुलिन दिया, उसने परहेज किया, उसने दवाइयाँ खाई, तो उससे क्या होगा कि शुगर कंट्रोल हो जाएगी। और हम इंसुलिन को की डोज को कम कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं।
डॉक्टर साहब, वैसे ये देखा गया है कि लोग कहते हैं, ज्यादातर लोगों में भ्रांति बैठी हुई है कि हम चीनी का इस्तेमाल ना करें, चाय ना पिए, उससे ज्यादा हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, शुगर बढ़ेगी। यदि हम मीठा खा लेंगे, मिठाई खा लेंगे, तो उतनी हानिकारक नहीं होगी। ये भ्रांति लोगों के अंदर बैठी हुई, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात ये हमारे यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन की बहुत कमी है, और सेकेंड बात ये जो हमारे यूट्यूब पे कुछ ऐसे डॉक्टर्स भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, तो दिग्भ्रमित कर रहे हैं हमारे शुगर के मरीजों को और बिगाड़ रहे हैं। वो कहते हैं डट के आम खाइए, शुगर नहीं बढ़ेगी, ये सब गलत बातें हैं। हमें अपने खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ानी है, रेशे की मात्रा बढ़ानी है, कार्बोहाइड्रेट कम खाना है, प्रोटीन खाने, फैट खाने, तो शुगर कंट्रोल रहेगी। हम गेहूँ ना खाएँ, मोटा अनाज खाएँ, मिक्स आटा खाएं, मल्टीग्रेन आटा खाएं, एक किलो गेहूं ले लें, एक किलो चना ले लें, एक किलो जौ ले लें, रागी मिला लें। हम मल्टीग्रेन आटा खाएंगे जिसमें फाइबर अधिक है, तो हमारी शुगर शूट अप नहीं होगी। आपने खाना खाया, शुगर बढ़ी, कंट्रोल हो गई। आपने खाली कार्बोहाइड्रेट खाए, आपने मिठाई खाई, शुगर एकदम ऊपर शूट अप हुई, फिर नीचे आई। तो ये ऊपर नीचे आना ये कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है। मिठाई नहीं खानी है, इतना है। होली आएगी, गुजिया खा ले, दिवाली आई, एक पीस मिठाई का खा लें, बच्चों का बर्थडे है, थोड़ा केक खा लें, इतना परमिटेड कर देते हैं हम लोग, लेकिन रोज रोज नहीं खानी मिठाई। शुगर के मरीजों के लिए ये आवश्यक होता है कि वे अपना जो दवाई जो डॉक्टर के द्वारा उनको दी जा रही है उसको ब्रेक ना करें, उसको नियमित तौर पर लेते रहें। कुछ लोग दवाइयाँ छोड़ देते हैं, कहते हैं कि हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, तो गोलियाँ वो नहीं खाते हैं, लेकिन बाद में देखिए दवाई तो रेगुलर खानी ही है हमें। हम नहीं खाएंगे, शुगर अप डाउन होगी, तो जितने कॉम्प्लिकेशन है ये हाइपरग्लाइसीमिया के कारण ही होते हैं। आपको मान लीजिए कोई लक्षण आपको दिखाई नहीं दे रहा, फिलहाल आपकी आंखें ठीक है, अचानक दिन मालूम पड़ेगा कि आपकी निगाह खत्म हो गई, तब हम क्या करेंगे? ये तो डॉक्टर बताएगा कि आपको दवाई कब लेनी है, कम करनी है, ज़्यादा करनी है। अपने आप हम मरीज निर्णय नहीं ले सकता, ना लेना ही चाहिए। शुगर बहुत खतरनाक बीमारी है, आग से खेलेंगे बच जाएंगे, शुगर से खेलेंगे नहीं बच पाएंगे। हमेशा डॉक्टर की कहना माने, हमेशा परहेज करें, रेगुलर दवाई खाएं, एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें। शुगर का एक और कारण हम आजकल सामने आया है, वो है पॉल्यूशन। पॉल्यूटेंट इतने बढ़ गए हैं, इतना पॉल्यूशन है, इसके कारण भी शुगर बढ़ रही है। पॉल्यूशन से शुगर बढ़ रही है डॉक्टर साहब? पॉल्यूशन से एक तो एयर पॉल्यूशन होता है, हाँ, और दूसरा आपका जो होता है जलीय पॉल्यूशन होता है, जो हम पॉल्यूटेड पानी। एयर पॉल्यूशन से शुगर बढ़ रही है, जलीय पॉल्यूशन से तो आप मान लीजिए कि आपको जॉन्डिस हो सकती है, टाइफाइड हो सकता है, पेट में कीड़े हो सकते हैं। मतलब मोस्टली जो है, हाँ, एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन ही बहुत बड़ा फैक्टर है शुगर बढ़ने का आजकल। धन्यवाद, थैंक यू।